बीते लंबे समय से ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी जबरदस्त सुर्खियों में हैं। दोनों की पर्सनल लाइफ में भूचाल आया हुआ था। आलिया ने नवाज पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे जिन्हें सुनकर हर कोई सग रह गया था। फिर आलिया ने जब रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री मारी तो वहां भी नवाज को लेकर काफी कुछ कहा, मगर लोग उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब नवाजुद्दीन और आलिया एक बार फिर से साथ नजर आए, जिसके बाद सभी के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा है कि क्या दोनों के बीच सुलह हो चुकी है, जिसको लेकर अब आलिया ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आलिया ने बीते दिनों इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके दो बच्चे साथ में दिखे। ऐसे में फैंस भी काफी शॉक्ड हुए। आलिया ने कैप्शन में लिखा था कि वे अपनी 14th एनिवर्सरी मना रही है। जैसे ही फैंस ने ये पोस्ट देखा, रिएक्शंस की भरमार हो गई। हर कोई हैरान था कि आलिया नवाज के बीच क्या झगड़ा अचानक कैसे खत्म हो सकता है। कई लोगों ने तो आलिया पर ये आरोप तक लगाया कि अपने पति से झगड़े का उन्होंने बस यूं ही फायदा उठाया, ये सब लाइमलाइट के लिए था वगैरह वगैरह। हालांकि अब खुद आलिया सिद्दीकी ने इन सभी बातों पर चुप्पी तोड़ते हुए वजह बताई है कि आखिर क्यों नवाज और वे साथ आए। बच्चों के साथ दुबई में रहने वाली आलिया सिद्दीकी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी को सबके सामने रखना जरूरी था। नवाजुद्दीन ने उनकी सालगिरह के मौके पर दुबई में उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी तीसरे शख्स की वजह से जिंदगी में परेशानियां आएंगी, मगर अब सब चीजें बदल गई हैं। हमने अपने आपसी के झगड़े सुलझा लिए हैं और इस सुलह के पीछे की वजह उनके दोनों बच्चे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने कहा कि जिंदगी में अलग रहना कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसे में उन्हें साथ रहना ही होगा। नवाज शोरा से बहुत करीब है और जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से वो काफी परेशान थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आलिया ने बताया कि नवाजुद्दीन अब मुंबई वापस आ गए हैं और जल्द ही आलिया दोनों बच्चों के साथ दुबई से वापस आएगी ताकि वे फिर से मिल सके।